अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय बिहार। जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती डिंपल यादव जी। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर, आज अमृत काल की बात हो रही है, स्वर्ण काल की बात हो रही है, सुनहरे काल की बात हो रही है, लेकिन सर यह सारे काल काल्पनिक काल हैं। इसकी वास्तविकता कुछ और है। विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ की बात जहाँ यह सरकार कर रही है, युवा, नारी, किसान और गरीब। युवा सर, आज देश का युवा लगभग 45% बेरोजगार है। सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी असर डालने का काम किया है। सर, हम सभी जानते हैं कि गांव से ज़्यादातर लोग फौज में जाते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था संभली रहती है। सर, लेकिन आज का नौजवान और युवा सर इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सर बहुत ही निराश है। सर सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पा रही हैं। सर, संविदा पे नौकरी पहले मिलती थी युवाओं को सर, लेकिन अब यह नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं। सर, मात्र 8,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है। सर, हमने देखा किस तरह इसराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जिससे कि देश का युवा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इसराइल जाके, जहां पे सर युद्ध चल रहा है। सर, लगातार MSMEs जो एक रोज़गार देने में सक्षम होती हैं सर, इंटरप्राइजेस सर, लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है। सर पिछले दो साल में लगभग 14,000 ऐसे उद्योगपति सर भारत छोड़ के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने में, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने में। सर, लगभग 14,000 ऐसे लोग टैक्स टेररिज्म के तहत भारत छोड़ के चले गए हैं। सर, महिलाओं की बात करी जाए सर, तो लगातार महिलाओं की स्थिति, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो सर, लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और इसका संज्ञान सरकार ना देश की ले रही है ना प्रदेश की ले रही है। सर जहाँ सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जहाँ भारत में पौष्टिक खाना खाने को नहीं मिल रहा है। सर, 74% भारतीयों की बहुत पहुँच से ये पौष्टिक खाना बाहर है। सर, इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर, छोटे छोटे शिशुओं में वेस्टिंग और स्टंटिंग के मामले होते हैं सर, भारत इन मामलों में भी उच्चतम है। सर, दैट बेल फॉर मी, यस, गिव मी 2 मिनट्स सर। मैडम, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई। सर, 2 मिनट्स सर। सर, जहां नारी वंदन विधेयक बिल लेकर आई है और हम सभी ने इसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन यह सरकार अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को, और सर अल्पसंख्यक महिलाओं में केवल मुसलमान महिला ही नहीं आती हैं, हमारी क्रिश्चियन महिलाएं भी आती हैं, हमारे सिख महिलाएं भी आती हैं, इन सभी को उनका हक सम्मान और अधिकार देने में सर यह सरकार असमर्थ रही है। सर, जहाँ किसान की बात करी जाए सर, MSP का जो वादा किया था इस सरकार द्वारा वो पूरा नहीं किया गया है। वहीं सर DAP महंगी। मैडम, हमारे पास समय कम है सर, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स सर। UP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट सर, गिव मी एटलीस्ट 3 मिनट्स। आप 1 मिनट में अपनी बात कीजिए सर। आई एम एज इट इज सेइंग इन पॉइंट्स सर, जहाँ DAP महंगी हो रही है, जहाँ सिंचाई महंगी है सर, जहाँ इस सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है हमारे किसान भाइयों को सर, जहाँ फसल बीमा योजना के तहत लगभग 6,90,00,000 लोगों किसानों ने पंजीकरण तो किया है, लेकिन केवल 7,80,000 किसानों को इसका फायदा मिला है सर। सर, जहां गरीब की बात की जाए आज सर, महंगाई दर क्या है लगभग 10% सर जहां महंगाई की बात हो रही है सर, 10%
महंगाई बढ़ गई है, सब्जियों की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है सर, और सरकार इस सब को लेके कुछ नहीं कर पा रही है, असमर्थ है मुझे लगता है सरकार सर। अगर सरकार कहती है अपने आंकड़ों में मैडम धन्यवाद 25 करोड़ सर, वन मिनट आई विल टेक मोर सर, सर 25 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं एक तरफ, और वहीं 80 करोड़ लोगों को सरकार अन दे रही है, तो सर ये अपने आप में ही सर ये बहुत ही विवाद से पूर्ण बड़ा सेंटेंस है सर। इसी के साथ सर मैं कहना चाहूंगी ये सरकार आईआईटी की बात कर रही है। मैडम धन्यवाद सर, वन मिनट सर, लास्ट पॉइंट सर, सर आईआईटीज की बात कर रही है, ट्रिपल आईआईटीज की बात कर रही है, यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है, एम्स की बात कर रही है सर, उत्तर प्रदेश में सर रायबरेली और गोरखपुर में एम्स तैयार हैं खड़े होके सर, उनका शरीर तैयार है, लेकिन उन एम्स में सर प्राणों का संचार नहीं हो पाया है, क्योंकि यह सरकार सक्षम नहीं है वहाँ पे सर स्टाफ देने के लिए, वहाँ पे सर इक्विपमेंट्स देने के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ देने के लिए सर। लास्ट पॉइंट सर, सर इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि जिस अमृतकाल और स्वर्णकाल की बात ये कर रही है यह बहुत ही काल्पनिक बातें हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्री विजय कुमार अंशनेक जी।